मान्यवर, मैंने आज किसी का जवाब नहीं देना है। आज मैं मेरे मन की बात और देश की जनता की आवाज को इस सदन के सामने रखना चाहता हूं, जो सालों से कोर्ट के कागजों में दबी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको आवाज भी मिली, अभिव्यक्ति भी मिली। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन, भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है, ये सबको समझकर चलना चाहिए। मान्यवर, जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। मैं आज फिर से एक बार कहने वाला हूं मान्यवर कि 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र से भी अधिक सालों तक इस देश का ऐतिहासिक दिन है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से चली हुई ये न्याय की लड़ाई यहां पर समाप्त। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन करोड़ों भक्तों के आशा आकांक्षा और सिद्धि का दिन है, उनकी आज आशा आकांक्षाएं सिद्ध हुई है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन समग्र भारत की मैं चाहूंगा कि समग्र भारत पर पूरा सदन गौर करे, 22 जनवरी का दिन समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनः जागरण का दिन आज इतिहास में बन चुका है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। 22 जनवरी के दिन मां भारती को विश्व गुरु के मार्ग पर ले जाने को प्रशस्त करने वाला दिन मान्यवर बनने वाला है। मान्यवर, ये देश की कल्पना राम और रामचरित्र के बगैर कर ही नहीं सकती। जो इस देश को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राम और रामचरित मानस के बगैर वो जी ही नहीं सकते। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है, ये सबको समझना चाहिए, सबको स्वीकारना चाहिए। और इसीलिए मान्यवर, हमारे संविधान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की कल्पना को राम राज का नाम लिया गया, संविधान में भी राम दरबार को स्थान दिया गया। मान्यवर, जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं, वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं।